हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे अपने अपने लाइफ में। और अभी शाम के 4 बजे हैं। 3-4 दिन के बारिश के बाद हमारे यहाँ धूप नहीं। कल भी धूप थी हल्की हल्की, लेकिन आज धूप अच्छी है। और इस धूप का फायदा उठाने के लिए मैं देखिए क्या की, देखिए सारे कपड़े मैं कैसे बिखेर करके रखी हूँ। पूरा रेक पर जितना भी कपड़ा था उसमें सीलन आ गया था। तो इन कपड़ों को निकाल करके फैलाना पड़ा मुझे, डबल काम, मतलब कि आज हो गया। ऐसे तो फिर जो कपड़ा धोते हैं उसे तो सुखाना ही होता है, लेकिन ये बेचारे 4-5 दिन से ICU में पड़े थे। इसके बाद इन्हें आज जान में जान मिला है, इन कपड़ों का भी। आज अच्छा लग रहा है मौसम। कंटिन्यू बारिश के बाद एकदम मन किच किच हो गया था। चारों तरफ सीलन मकान में, और आज बारिश हुई है, सूखा सूखा है घर आंगन सब कुछ। और अभी छत पर आए हैं, गर्मी तो है। सारे कपड़े उठाने के लिए उठा कर इसे ले जाते हैं अभी, नहीं तो फिर पता चला कि फिर शीत गिरने लगेगा थोड़ा ही देर में। सुबह ही सारा कपड़ा मैं यहाँ पर फैला दी थी। तेज धूप देखकर मैं सोची ये चलो आज तो ये काम मुझे कर ही लेना है, क्योंकि 4-5 दिन से मैं जब से निकाली थी और बाहर ही रखा हुआ था और इसी तरह से पड़ा हुआ था। अगर इसे धूप ना दिखाएं तो फिर ये तो कपड़ा ख़राब ही होने वाला था। खैर समय पर मैं देख लिख ले रहा है, कपड़ा बच गया। और ऐसा होता है ना कि बारिश के बाद कपड़े हुए या फिर घर में जो खाने पीने की चीज़ जो डब्बे में रखे होते हैं, वो सब चीज़ में धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे पहले तो मेरी नज़र कपड़े पर ही गई, तो मैं अभी कपड़े ही सुखा रही हूँ। इसके बाद फिर धूप देखकर मुझे वो काम सब काम ही करना है। मतलब हम औरतों के नसीब में यार कभी आराम नहीं है, क्यों आराम करूँ। बारिश ख़त्म हुई तो सारे कपड़े और जो भी सामान है उसे धूप दिखा कर रखो, तो एक काम तो एक्स्ट्रा बढ़ ही गया। मतलब आराम नहीं करना है, भगवान भी सोचते हैं चलो आराम क्यों करोगी तुम लोग, कुछ ना कुछ काम तुम लोग को देते रहते हैं। तो एक काम भी समझिए कि चूहे मारने वाली बात हो गई। अगर सीलन ना होता तो मुझे ये काम नहीं करना पड़ता। भगवान भी कहें चलो अब आराम क्यों करना है, 4-5 दिन बैठ करके जब तक दशहरा का त्यौहार नहीं शुरू होता ये सब काम कर लो। सारे कपड़े इसी तरह से मंगड़ करके और मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हाथ में ले जाना इस तरह से संभव नहीं है। इतना सारा कपड़ा है, पूरा एक थैला भर करके है। तो मैं सोची चलो चमोड़ दे रहे हैं, फिर थैले में करके इसके बाद मैं नीचे यहाँ से ले जाऊँगी। फिर नीचे ले जा करके मुझे फिर से तह लगाना होगा सारे कपड़े में। मतलब काम बेवजह का बढ़ना इसे कहते हैं। तो इतना बड़ा थैला है सारा, मैं इसी में डाल करके और ले जाऊँगी। फ्रेंड्स, आप सब में किन किन के साथ ऐसा हुआ, सीलन के बाद उसे फिर से धूप में सुखाना पड़ रहा है मेरी तरह? क्योंकि तो मुझे तो ये काम करना बहुत फालतू लगा है। ऐसे तो कपड़े धो करके सुखाना ही पड़ता है, लेकिन ये देखो एक और काम बढ़ गया है। और ये सोच करके तो लग रहा है यार कि अगर बारिश में सिर्फ सीलन से हम लोग इतना परेशान हैं, और अभी जो दिखा रहा है नेट पर सब जगह बारिश से परेशान, ये मेरा कपड़ा गिर गया सारा, चोल रखी थी तह लगा करके, चलो इसे सब मैं थैले में कर दी। तो मैं बात कर रही थी कि बाढ़ से जो तबाह हो गए हैं लोग, उन पर क्या बीतता होगा। हम लोग तो थोड़ा सा बारिश 4-5 दिन में घर में रखे सामान खराब हो गए, कपड़े ऐसे हो गए, मतलब इतना परेशानी बढ़ गया, सोच करके ही रूह कांप जाता है। मतलब साफ है ईश्वर जो दिया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। और फिर मैं आई नीचे और अपने अस्त्र शस्त्र लेकर रण क्षेत्र में कूद पड़ी। तो आप सब बताइए, गर्मी में रोटी बनाना किनको किनको पसंद है? ये गर्मी में रोटी बनाना कितना टफ होता है ये तो
जो रोटी बनाता है उनसे पूछिए, पता नहीं है रोटी बनाने का आविष्कार किसने किया, रोटी भी इसी तरह से खा लेते जैसे चावल खाते हैं। सच्ची बात बता रही हूँ, गर्मी में रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है, और ज़्यादा बनाना हो तो और भी आफत है, लेकिन मुझे तो कम रोटी बनाना है इसलिए कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी मैं फटाफट बना रही हूँ रोटी, और किचन से जितना जल्दी बाहर निकले तो लगता है कि गर्मी, और अभी भी मौसम में ठंडापन नहीं है, अभी भी किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, खाना बनाने में गर्मी अभी भी हमारे यहाँ है, इतना बारिश होने के बाद भी तेज धूप निकल रहा है और गर्मी बरकरार है, तो बस सब्जी हो चुका है और रोटी बना रहे हैं फटाफट, और बनाने के बाद यहाँ से किचन से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलो, ये किचन ऐसा जगह है ना कि अगर यहाँ पर जितना टाइम दो उतना ही, मतलब यहाँ से काम खत्म होने वाली बात ही नहीं है, किचन में एक करो खाना बनाओ उसके बाद भी अगर ढूंढो तो कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है, तो ये जगह तो काम का ही है, आराम का नहीं है, इसलिए यहाँ से जितनी जल्दी हो सके दफा हो जाओ। मेरी रोटी बन चुकी है, बस दो चार रोटी है बनाना। और आज नाइट के डिनर में है ओल की सब्जी और ये रोटी और साथ में सलाद, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इतना ही बनाने में तो मेरी हालत ख़राब थी, तो मैं ज़्यादा और क्या बनाऊँगी, बस इतना ही बना करके और चले पेट पूजा करने। फ्रेंड्स जिनको जिनको भूख लगी है आ जाइए रोटी सलाद और सब्जी खाने के लिए, और फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। खाना खाने के बाद किचन का जो छोटा मोटा काम है वो मैं अभी निपटा लेती हूँ, और ऐसे किचन साफ़ करके ही सोना चाहिए, मैं भी किचन क्लीन करके ही सोती थी लेकिन अभी मैं फ़िलहाल में नहीं करती हूँ, और अभी मेरे बच्चे घर में नहीं हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं स्कूल जाने वाले हैं या फिर हस्बैंड है ऑफिस जाने वाले हैं, तो मुझे तो नाइट में ही किचन क्लीन करके ही सोना चाहिए, और मैं यहाँ पर सुबह के लिए चना वगैरह जो है डाल देती हूँ भिगोने के लिए, और इसके बाद सब कुछ एडजस्ट करके ही सोना होता है। तो फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो गंदे बर्तन है उसे मैं डाल दी सिंक में फूलने के लिए, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ।